भाई। चलिए शुरू करते हैं। हाई एवरी वन, वेलकम टू द बॉबी व्लॉग यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइज, आई होप यू आर फाइन। सो गाइज, आज के इस व्लॉग में मैं आपको सूरजकुंड का मेला दिखाने वाला हूँ और आज मैं अपने कॉलेज के 3 फीमेल क्लासमेट्स के साथ सूरजकुंड का मेला घूमने जा रहा हूँ। सो प्लीज आप लोग इस व्लॉग को एंड तक देखना, आज का व्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको सूरजकुंड के मेले के बारे में नहीं पता तो आप लोग बेफिक्र होकर इस व्लॉग को एंड तक देखना। ये मेला कब और कहाँ लगता है सारी जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलेगी। आज शनिवार के दिन हम मेला घूमने आए हैं और टिकट बूथ से 180 रूपए का 1 टिकट मिलता है और हमें टोटल 4 टिकट 720 का पड़ता है। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो हम लोग गेट नंबर 3 से एंट्री ले चुके हैं और आप लोग यहां पे देख सकते हो अनेक अनेक प्रकार के यूनिक स्टैचू उपलब्ध है। और गाइस ये देख सकते हो लकड़ी का दीवार घड़ी काफी प्यारा लग रहा है और ये देख सकते हो 200 रूपए सेल में ये सब सामान दिए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहले कभी नहीं आए हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी सामान आपको दिखेंगी सभी सामान यहाँ पर महंगी है यानी कि कॉस्टली है। यहाँ पर अदर कंट्री से भी बहुत लोग घूमने आते हैं। ये सूरजकुंड का मेला हर साल फरवरी के महीने में हरियाणा का फरीदाबाद जिला में लगाया जाता है। ये व्लॉग मैं 17 फरवरी को शूट कर रहा हूँ। ये मेला कब से स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ था ये भी मैं आपको बताता हूँ। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक ये मेला था और अभी के टाइम पर ये मेला हट चुका है। अगर आप ये मेला घूमना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर जरूर विजिट करना। इस मेले का फुल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा और गूगल मैप का लोकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मेले का एंट्री टिकट का क्या रेट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मंडे टू फ्राइडे 1 टिकट का प्राइस 120 रुपीज लगता है। और फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट्स हो और आपके पास आईडी कार्ड है तो मंडे टू फ्राइडे आकर 50% का डिस्काउंट पा सकते हो पर टिकट पे। और सैटरडे संडे पर पर्सन एंट्री टिकट प्राइस 180 रुपीज लगता है और स्टूडेंट्स को उस दिन कोई भी छूट नहीं मिलती। सो जो भी जानकारी देनी थी मैंने दे दिया है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इन्हें देखो भाई, इन्हें फोटो लेने से फुर्सत ही नहीं है। चलो यार, अब आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो और देखो सूरजकुंड मेला में क्या क्या है। ये आप लोग देख सकते हो कॉपर का ये बेल है, समझ रहे हो, मतलब एक घंटा बोल सकते हो कॉपर का। और आपने इसको सुना, कितना प्यारा साउंड लग रहा है यार इसको बजाने पे। और गाइज ये देख सकते हो प्रधानमंत्री का नमो ऐप का एड चलाया जा रहा है। और गाइज अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ के बंदरों से आप लोग बचकर रहना, वरना यहाँ के बंदर इतने चलाके कि आपके हाथ से कुछ ना कुछ छीन ही लेंगे। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपने तीनों फ्रेंड्स से मिलवाता हूँ। ये रे गाइस, बबीता चुड़ैल देखियो, ये हमारी निशा है और ये काजल है। आपने बिहार का एक्टर सुना ही होगा, काजल रघवानी, वही है ये। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आप लोग सूरजकुंड मेला घूमने आए हो या फिर नहीं आए हो या फिर आए हो तो कितने बार आए हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये सामने आप लोग देख सकते हो एक कुंड है, इधर एंट्री वर्जित है वरना मैं आपको अच्छे से दिखाता। और शायद इसी कुंड के वजह से इस मेला का नाम सूरजकुंड दिया गया है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आ रहा है तो इस व्लॉग को लाइक कर देना। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अभी तक इस व्लॉग को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस व्लॉग को लाइक कर दो। एंड फ्रेंड्स, आप लोग हमारे बॉबी व्लॉग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। सो अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर कर लेना ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइज, इस शो को थोड़ा सा एंजॉय करो। यहाँ पर सेलिब्रिटी हो या ना हो लेकिन इनके जैसे राक्षसों के साथ फोटो खिंचवा कर पब्लिक कितना खुश है आप लोग देख सकते हो। और हाँ, इसके साथ कोई फ्री में फोटो नहीं खिंचवा सकता, इसको चार्ज देना पड़ता है।
अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट कर सकते हो, लेकिन लेकिन नेक्स्ट ईयर। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पे बैग भर के भी पैसा लाओगे ना, तो वो पैसा भी कम पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर महंगाई हद से ज्यादा है। यार झोपड़ी यहाँ भी देखने को मिल गई, गजब। हवा मस्त चल रही है ना। ये देख सकते हो गाइस, गणेश जी की मूर्ति काफी प्यारा लग रहा है, और इतने सारे अनेक अनेक प्रकार के मूर्तियां हैं। और गाइस ये देख सकते हो घोंसला, इस घोंसले के बारे में दुकानदार बोल रहा था कि इस घोंसले को छत पर या फिर बालकनी में लगाएंगे तो वहां पर चिड़िया ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और गाइस ये देख सकते हो इतने सारे फ्लावर कितने अच्छे लग रहे हैं गाइस। और गाइस अब इस डांस को एंजॉय करो। ये सब सुन के और देखकर काफी ज्यादा आपको मजा आ रहा होगा। यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा बिल्कुल फ्री रहती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक तरह से देखा जाए तो ये वॉशरूम फ्री नहीं है, बिकॉज यार एंट्री फीस तो लगता है ना, इसीलिए। अब गाइज आप लोग वेस्ट इंडीज के लोगों का डांस देखो। अब आप लोग इस गाने को एंजॉय करो। मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुझे लगता है मुस्कुराने की वजह तो सभी के साथ आई है यहाँ पे। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप एक बार एंट्री ले लेते हो ना सूरज कुंड मेला में, तो यार यहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा, क्योंकि यार यहाँ का वातावरण ही ऐसा है ना, आपका मन यहाँ लग जाएगा। यार आप इस व्लॉग को देख तो लोगे, बट यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट नहीं करोगे, तो यार सब्सक्राइब कर लेना। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो, इस मेला में आपको झूले वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। इस मेले में कौन कौन से झूले हैं ये भी मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो नाव का झूला। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं मेला में घूमने जाते हो तो नाव का झूला जरूर झूलना, बहुत मजा आता है। एक बात और, आज बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि गाइस एक तो शनिवार है, और दूसरी बात यह है कि आज 17 तारीख है और 18 तारीख तक मेला चलेगा, इसके वजह से ना आज का दिन बहुत ही भीड़ है। और गाइज ऊंट सवारी की प्राइस की बात करें तो 200 रुपए था सिर्फ और सिर्फ एक राउंड का। मैं तो ऊंट पे आज तक नहीं बैठा, लेकिन लेकिन बचपन में गाँव में भैंस पे जरूर बैठा था। मेले में खाने पीने की सुविधा भर के रहती है, लेकिन महंगाई भी दबा के रहता है। और मुझे आज तक पता नहीं चला कि सूरज कुंड में इतना महंगाई क्यों होता है। ये लड़की पागल हो गई है, खाने का पैसा खराब कर रही है। मुझे तो बोलती मैं बना देता इसका रील।
यार ये झूला गजब का लग रहा है। खैर इन झूलों पे क्या ही झूलना, बच्चों का झूला है। ये जो आपको हथौड़ा वाला झूला दिख रहा है ना गाइस, इसमें दो तीन लड़की बैठी हुई थी, काफी ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी। यहाँ पर हरियाणवी डांस भी हो रहा है, तो आप लोग इस डांस को एंजॉय करो। गाइज मैं आपको बता दूं, अगर आप फीमेल फ्रेंड्स के साथ आते हो ना, तो फोटो क्लिक क्लिक करके परेशान हो जाओगे। आपका मोबाइल का स्टोरेज फुल हो सकता है, लेकिन इन लोगों का पोज खत्म नहीं हो सकता। सच बताऊं तो यार, मुझे यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि गाइज यहाँ का माहौल ही ऐसा था ना कि यहाँ पे रुकने का मन कर रहा था यार। बस फीमेल फ्रेंड्स को घर जल्दी जाना था, इसकी वजह से हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ा। खैर तुर्की कंट्री के लोग काफ़ी अच्छे आइटम्स बना लेते हैं, आप लोग देख सकते हो। ये सभी आइटम्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, इनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। खैर अगर आपको याद आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मेले में हम कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि गाइस हमारे पास लंच होता है। निशा नाम की फीमेल फ्रेंड लंच लेकर आती है, हम लोग उसका लंच खाकर मेले से एग्जिट होने के लिए गेट नंबर 2 के तरफ चलते हैं। बाहर आके हम आलू के पराठे खाते हैं, अंदर के मुकाबले बाहर का रेट काफी चीप था। आलू के पराठे खाने के बाद हम लोग खाते हैं चुस्की। आज के व्लॉग में इतना ही, आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर कर देना।